गुड मॉर्निंग क्लास। सेवंथ क्लास के मैथ्स के अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था जिसमें फ्रैक्शंस के बारे में डिस्कस किया था और तीन टाइप्स के फ्रैक्शंस हमने डिस्कस करे। तीन टाइप के फ्रैक्शंस के बारे में बताया, एक प्रॉपर फ्रैक्शन जिसके अंदर जो न्यूमिनेटर है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से, मीन्स आपकी जो क्वांटिटी होती है, जो होल क्वांटिटी होती है वो वन से लेस होती है, वन से छोटी रहती है। नेक्स्ट हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को डिस्कस किया जिसके अंदर जो न्यूमिनेटर है वो बड़ा रहता है डिनोमिनेटर से और आपकी क्वांटिटी जो है वो वन से बड़ी रहती है। और अगला हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को डिस्कस किया और मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर हमने देखा कि एक होल नंबर और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसके अंदर रहता है, इस तरह से ये डिस्कस करें। अगला टॉपिक हमारा कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस टू मिक्स्ड फ्रैक्शंस, कि आपको कुछ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस अगर दे दिए जाएं और आपको मिक्स्ड फ्रैक्शंस के अंदर लिखने हो तो उसको किस प्रकार से आपने लिखना है, कुछ एग्जांपल्स उसके लिए हम देखते हैं। देखिए हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना सीखेंगे इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। हमारे पास एक फ्रैक्शन दे दिया 7/4, न्यूमिनेटर बड़ा है ना, 7 जो है न्यूमिनेटर और 4 जो है डिनोमिनेटर है और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, मींस आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको अगर आपको कन्वर्ट करना हो मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर किस तरह से करोगे, इसको डिवाइड कर दीजिए आप, इसको डिवाइड कर दीजिए 4 से, 4 रिमाइंडर क्या है 3। यहां से आप कैसे लिखेंगे इसको, जो ये 1 है इसको लिख लीजिए होल नंबर की जगह, जहां पे आप होल नंबर लिखते हो वहां पे 1 को लिख लीजिए, ऊपर ले जाइए आप रिमाइंडर को 3, ऊपर किसको लेके जाना है आपने रिमाइंडर को, और नीचे जो डिविडेंड है जिससे आपने डिवाइड किया है उसको नीचे 1 × 3/4, इस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शंस के अंदर इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे कन्वर्ट किया जाता है। उसको डिवाइड कर लीजिए और जो आपका डिविडेंड है, ये डिविडेंड बोला जाता है क्योंकि इससे डिवाइड करते हैं, ये डिविजन होता है, ये कोशियंट होता है और ये रिमाइंडर होता है। जो आपका कोशियंट आया है उसको होल नंबर की जगह पे लिखिए, जो आपका रिमाइंडर है उसको ऊपर लेके जाइए और जो आपका डिविडेंड है जिससे आपको उस क्वांटिटी को डिवाइड किया है उसको नीचे, इस तरह से ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर आपका आ जाएगा। और एग्जांपल ले लो 9/2 आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 9/2 को आपने कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर, कैसे करेंगे, 9 को 2 से डिवाइड करिए, 2 × 4 = 8 होता है, 1 यहां पे रिमेंबर रह गया, कन्वर्ट जब करेंगे तो कैसे 4 आपका कोशिश आया है भागफल आया है, 4 को होल नंबर की जगह पे लिख देते हैं, रिमाइंडर जो है उसको ऊपर लेके जाओ 1/8, जो आपका डिविडेंड है जिससे आपने डिवाइड किया है उसको नीचे लिख लो 4 × 1/2, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन इसका बन गया। इस तरीके से अगर कहीं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिए गए हैं उसको आप कन्वर्ट करके लिख सकते हो मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर। ध्यान रखिए जो कोशिश आपका आता है उसको डिवाइड करने के बाद उसको होल नंबर की जगह पे लिखा जाता है, जो आपका रिमाइंडर आता है शेष आता है उसको ऊपर लिखते हैं और जिससे आपने डिवाइड कराया है मींस जो नीचे था यहाँ पे 3 था ना उसको आपको नीचे लिखना होता है 2। समझ में आ गया। अगर एक एग्जाम्पल को लेना है तो फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो 18/7, एक फ्रैक्शन लीजिए आप 18/7, डिवाइड करिए 18 को 7 से, क्या करेंगे 7 × 2 = 14, रिमाइंडर क्या बच गया 4, होल नंबर की जगह क्या लिखना है आपने कोशिएंट जो भागफल है आपका उसको लिखेंगे ना, ऊपर क्या जाएगा रिमाइंडर 2/8, नीचे क्या रहेगा जिससे आपने भाग किया है
इंटू फोर बाई सेवन। अगर अब आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दे दिया जाए, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन दे दिया जाए और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर उसको कन्वर्ट करना है, वो कैसे करते हैं, उसको करने के लिए यही एग्जाम्पल लीजिए। जैसे कि आपके पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दे दिया 1 × 3/4, साफ कर लेता हूं, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको गिवन है, इसको आपने कन्वर्ट करना है किससे, इसके अंदर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। क्या करेंगे, जो नीचे वाला नंबर है ये जो डिविडेंड आपका रहा उसको मल्टीप्लाई कीजिए इस होल नंबर से 1 से, और प्लस में कर दीजिए आप रिमाइंडर को, ऊपर जो लिखा था 3 को, और इसके बारे में लिख दीजिए आप जो बाई में बनी इसको 4 × 1 = 4 + 3 = 7 यही आ गया ना। और गिवन है आपको ये वाला गिवन है 2 × 4/7 गिवन है आपको, गिवन है 2 × 4/7 एक मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको आपने कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, जो नीचे था डिविडेंड उसको मल्टीप्लाई कीजिए होल नंबर से 2 से कर दिया, प्लस जो रिमाइंडर जो आपने ऊपर लिख रखा था उसको जोड़ दीजिए इसमें बाई में, और जो नीचे है वो एज इट इज नीचे लिख दीजिए 7 × 2 = 14 + 4 = 18 आ गया ना बाई 7 = 18/7 मिक्स्ड फ्रैक्शन इंप्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट हो गया। 4 × 1/2 गिवन आपको, सी आपको गिवन है 4 × 1/2, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो आपका नीचे है डिविडेंड है जिससे आपने डिवाइड किया है उसकी मल्टीप्लाई कीजिए आप होल नंबर से, प्लस में जो रिमाइंडर जो आपने ऊपर लिख रखा है उसको जोड़ दीजिए बाई में, जो एज इट इज नीचे उसको लिख दीजिए 2 × 4 = 8 + 4 = 1 आ गया, रिमाइंडर जोड़ना है ना 9 / 2 = 9/2 आपका आ गया। इस तरीके से इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को आप मिक्स फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, और मिक्स फ्रैक्शंस को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस गिवन है तो डिवाइड कर लीजिए, और डिवाइड करने के बाद जिससे आपने डिवाइड किया उसको नीचे, रिमाइंडर को ऊपर, और जो क्वोशेंट आपका आया है जो भागफल आया है उसको होल नंबर की जगह पे रख लीजिए। और जब आपको मिक्स्ड इम्प्रॉपर गिवन है, मिक्स्ड गिवन है इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, जो डिविडेंड है आपका जो नीचे लिखा हुआ है उसकी मल्टीप्लाई होल नंबर से कर दीजिए, और प्लस में जो रिमाइंडर है आपका जो ऊपर लिखा है आपने उसको उसमें ऐड कर दीजिए बाय में, डिविडेंड को एज इट इज लिख दीजिए, आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आ जाएगा। आज के टॉपिक में यही करेंगे, कल आपको नेक्स्ट टॉपिक से हम क्लास में करवा दिया जाएगा।